तो भाई स्वागत आप सभी लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं बैठे हूँ भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, वही कुरुक्षेत्र भाई साहब जहाँ महाभारत का युद्ध होया था, वही कुरुक्षेत्र जहाँ पे अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और वही कुरुक्षेत्र जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके पूरी सृष्टि का निर्माण कराया था। तो भाई साहब इब लेकर चलूंगा अपने अंदर और दिखाऊंगा कौन से तो पेड़ के नीचे दिया गया था गीता का उपदेश, और क्यों बनाया था ब्रह्म सरोवर, और कड़ा है बाणगंगा, और कहाँ अभिमन्यु का चक्रव्यूह फंसा था मारा गया था, और कहाँ फंसा था कर्ण का रथ। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें आज मैं आपने दिखाऊंगा, और इसके अलावा भी बहुत है भाई, बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने पता मेरे व्लॉग के तो बनेंगे पार्ट चार, लेकिन आज आपने दिखाऊंगा कुरुक्षेत्र का पूरा साथ। तो चलो मेरे गिल, हाँ एक बात और भाई साहब, अगर कोई दूर दराज तक बंदे आ रहे हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कहीं तक इंडिया तक और ऑल ओवर वर्ल्ड तक, तो भाई अगर यहाँ आना चाहो है तो आपने दिल्ली का एयरपोर्ट पड़ेगा 170 किलोमीटर के अप्रोक्स, और चंडीगढ़ का पड़ेगा मात्र 100 किलोमीटर, और वहाँ तक बस ट्रेन की सुविधा है, सीधा पीपली आओ, पीपली तक आगा बस ट्रेन और बस ऑटो ई रिक्शा वगैरह लेकर सीधा आओ कुरुक्षेत्र में, 5 से 6 किलोमीटर मात्र अंदर पड़ेगा, उसके बाद आप घूमिए यहाँ। तो भाई इब लेकर चलूँगा मैं अपने सीधा ब्रह्म सरोवर पर, और दिखाऊंगा कहाँ तो द्रौपदी माता ने केस धोए थे, वो कूप आज भी है नू का नू, और नू की नू उसकी दीवारें सब कुछ दिखाऊंगा, और वहीं श्याम जी का मंदिर भी है, कात्यायनी माता का मंदिर और शिव जी भगवान का मंदिर। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के सफर पर मेरे लिए। भाई इब पहुंच गया ब्रह्म सरोवर पर, सीधा पिपली से चल के 5-6 किलोमीटर ऑटो लिया था, सीधा यहाँ आ गया है इब, सीधा ब्रह्म सरोवर का यो मेन गेट है, यहाँ था अपने लेके चलते हैं अंदर और बाकी चीज़ें दिखाएंगे अंदर। एंट्री करोगे मेन गेट पे तो सीधा सबसे पहले आओगे सर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जहाँ मैं अपने भी लेकर चलूँगा। सबसे पहले चलते हैं महादेव जी के दर्शन करके, फिर आगे दिखाता हूँ ब्रह्म सरोवर पे, दिख ही रहे होगा कितना बड़ा है, मतलब जो एक एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड ब्रह्म सरोवर है, मतलब सरोवर है वो यो है, देख लो एक बार क्यों देना दूर तक देख लो कितना बड़ा है। तो चलो ये पहला दर्शन करते हैं यहाँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। भाई लो सीधा पहुंच चुका हूं मैं प्राचीन द्रौपदी कूप पे, ये वही कूप है भाई साहब, देखो एक बार द्वार देखो यार, दीवारों तक कोई छेड़खानी नहीं करी गई है सरकार द्वारा भी किसी तरीके की, क्योंकि 5,500 साल पुरानी दीवार नू की नू है जो पांडवों ने बनाई थी उस टाइम में। और ये भी इस तक मैं आपने दिखाता हूँ कहाँ तो मतलब केस तो हुए थे माता ने, और कहाँ मतलब यहाँ माता ने करा था गुप्त दान, क्योंकि यहाँ माना जावा भाई गुप्त दान का 13 गुना फल मिलता है यहाँ पे। आज एक बार दिखाता हूँ, कूप दिखाता हूँ पहला, तो भाई यो वही कूप है जहाँ द्रौपदी माता ने अपने केस धोए थे, और यो वही कूप है जहाँ पे आके पांडवों ने तपस्या करी थी अपने महाभारत की विजय के लिए, और वही कूप है भाई जहाँ परशुराम जी ने अपने पिता का श्राद्ध करा था। ये बाप ना अपने सीधा यहाँ तक लेकर चलेंगे नीचे, और दिखाएंगे यहाँ एक श्याम बाबा जी का मंदिर है, पहले वहाँ दर्शन करेंगे फिर वहाँ से नीचे जाएंगे उस कूप में लेकर चलेंगे, गुप्त दान करेंगे और थोड़ा सा हम भी कई गुना फल कमाएंगे। तो भाई ये है श्याम जी का दरबार, और यहाँ पे श्याम जी के बारे में पूरी स्टोरी उनकी लिखी गई है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दी थी अपनी, मेरी वीडियो देख सकते हैं आप श्याम बाबा वाली, खाटू श्याम से चुलकाना से खाटू श्याम तक। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी इतना गहरा तो है नहीं, अभी लोग यहाँ पे दान वान करते हैं कुछ दान वगैरह, तो यहीं पे पैसे वैसे चढ़ा जाते हैं।
जैसे मेरे मतलब सामने मेन गेट है भाई, ठीक है, ईब के करा इन्होंने या बीच में तो सड़क काट दी पूरे इसके ब्रह्म सरोवर के, और ब्रह्म सरोवर को दो भागों में बांट दिया था, और यह सड़क पूरी मतलब बीच में आवे, मतलब ये रथ रुथ सारा कुछ आपने बीच में मिलेगा, द्रौपदी माता का कूप और कात्यानी माता का मंदिर। तो इब जाएंगे हम सीधे कात्यानी माता के मंदिर में और दिखाते हैं, ये भी भाई एक सिद्ध पीठ है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे भाई निःशुल्क परीक्षा स्टडी होती है बालकों की, पढ़ाया जाता है यहाँ पे फ्री में, एक गुरुकुल टाइप बना रखा है और बहुत बढ़िया वेदशाला है, तो पढ़ाया जाता है भाई। इब चलते हैं इस मंदिर में और इसमें दिखाते हैं आपने। कात्यानी माता के मंदिर से निकल के सीधा बाहर आपने कुशला घाट मिलेगा, उसके जस्ट साइड में ही रोज सामने यहाँ आरती हो है, यहाँ आप आरती के लिए आ सकते हैं। एक मतलब प्रॉपर वे में जो आरती का एक है जिनने यहाँ होती है भाई वो आरती रोज सामने, आज मैं एक बार आपने दिखाता हूँ आगे। फुल लट्टा लुट्टा का प्रबंध है, सारा कुछ है, बिल्कुल प्रॉपर वे में बना रखे, जो कर अपने हरिद्वार में वाराणसी में रोज आरती हो है, यहाँ आरती हो भाई रोज सामने। तो भाई थोड़ा सा मैं ब्रह्म सरोवर के बारे में भी बता दूँ आपने, फिर कभी को मेरे तो बताया नहीं आपने। तो ब्रह्म सरोवर का मेनली यहाँ लोग, एक तो सूर्य ग्रहण का नहान सबसे फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, अगर यहाँ सूर्य ग्रहण का नहान नहान कर लिया तो भाई जितने एक आधा पाप कर रखे हमें सारे दूजेंगे, और बाकी हूँ तो भाई मान्यता बहुत तगड़ी मान्यता, यहाँ आना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताऊँ, पीछे वो शिवलिंग के आकार में बड़ा मंदिर देख रहे हो, 18 मंजिला मंदिर बनने लग रहा। ये 18 मंजिल क्यों बनने लग रहा है, क्योंकि गीता के 18 अध्याय थे, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें बनाने लग रहे। और इसके हर एक फ्लोर पर एक अध्याय लिखा जाएगा, पूरी उसकी जानकारी हर एक चीज़। मैं जब मंदिर तैयार होने की वेट कर रहा हूँ, वहाँ भी आवेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो यो मेनली यो अंदर था, तो बीच में तो जाना तो डूंगा है, साइड में तो थोड़ा लोग नहा ला है, उसके लिए बैरियर लगा रखे हैं, जैसे अपने महागंगा वगैरह में भी लगा के रखते हैं लोग। बीच में तो भाई इसकी गहराई देखी जाओ तो मतलब 15 मीटर के आसपास गहराई है इसकी, और इसके डायमीटर देखा जाओ तो इसकी लंबाई 1800 मीटर और चौड़ाई 1400 मीटर है भाई। और इसके हर एक उस पर मतलब हर एक उस पर घाट बन रहे हैं, सारे घाट है, पांडवों के घाट है, अर्जुन भीम, ठीक है, और इनके कृष्ण घाट भी है, जो यशोदा घाट भी है, कौशल्या घाट भी है, सारे घाट हैं यहाँ। और इसके चारों दिशाओं में गेट है भाई, इसके मतलब चारों दिशाओं में 9 गेट है, आप कहीं ना कहीं एंट्री ले सको, और गेटों के नाम भी भगवानों के नाम पर ही है, ठीक है, अर्जुन के नाम पर अर्जुन गेट है, भीम गेट है, एक इधर VVIP गेट भी है भाई, आजकल VVIP लोग आवे तो उन खतर गेट बना रखा। तो मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपनी ब्रह्म सरोवर के बारे में। तो भाई ये आ चुके हम पुरुषोत्तमपुरा बाग के अंदर, जिसके अंदर यो रथ बनाया गया है, मतलब यो रथ जो बनाया था यो यहीं पे आके असेंबल करा था, इसके जितने काफी पार्ट्स आए थे तो यहाँ पे आके असेंबल करा था। इस पे भाई यो ब्रोंज के मेटल का बना है, इस पे ना तो कोई बारिश का ना धूप का किसी का कोई असर नहीं पड़ता, और इतना देखने में इतना दर्शनीय है ना भाई, दुनिया को फोटो खिंचवा है, और मतलब मैंने भी खिंचवा लिया है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, एक बार आना पड़ेगा देखने खातर। तो इस बाग के अंदर मेनली माता का मंदिर दिखा दिया मैंने आपने, अरे क्यों है, अरे यहाँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया पेड़ खड़े हैं, और पुराने पुराने बरगद के बड़ के अपने पीपल के सारे पेड़ ही हैं, एक नू के नू है आज भी। तो भाई आप मतलब ऊपर देख सकें, रथ अपने सारथी बन के कृष्ण भगवान बैठे हैं, पीछे अर्जुन जी बैठे हैं, और ऊपर हनुमान जी विराजमान है, पूरी महाभारत उन्होंने रथ पर बैठ के देखी है, बहुत कम लोगों ने पता है यह चीज़, लेकिन मैं आप तक बताऊँगा हर एक चीज़। और थोड़ा सा मैं आप तक ब्रह्म सरोवर के बारे में बताना चाहूँगा, भाई जो ये ब्रह्म सरोवर है ना, यो मेनली उस टाइम तक ईब तक सतयुग तक आज तक एक अकलौता ब्रह्म सरोवर है, और सबसे बड़ा ब्रह्म सरोवर है एशिया का। और भाई साहब इस ब्रह्म सरोवर की ये खासियत यह है, जब दुर्योधन ने छुपना था ना भीम तक बचने खातर, तो इसी का इस्तेमाल करा था, और यही आ गए इसी जगह ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा था, बहुत बड़ा यज्ञ करा था, आज भी यहाँ पे मतलब एक प्रोग्राम होगा यज्ञ का, वो यहाँ पीछे एक अपना थीम पार्क है, वहाँ यज्ञ का प्रोग्राम होगा, वहाँ यज्ञ होगा काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर। तो भाई साहब एक और चीज़ है, जो गीता जयंती हो, एक इंटरनेशनल गीता जयंती आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, गीता जयंती का जो महोत्सव हो वो यहीं होए करें, यहाँ चार दुकान नहीं भाई साहब 847 दुकानें लगती हैं यहाँ पे टोटल, और उसके अलावा बाहर की साइड छोटी मोटी दुकानें अपने लोग लगा के बैठ जाते हैं, और एक्टिविटी
संस्कृति पूरे वर्ल्ड की संस्कृति यहाँ पे आती है। ये गीता जयंती बेसिकली नवंबर दिसंबर में लगती है 14 दिन के लिए, और आपने यहाँ आना पड़ेगा 14 दिन खातर, क्योंकि मैं तो आऊँगा और मेरा नेक्स्ट व्लॉग क्षेत्र का गीता जयंती का ही आएगा, जो इसके बाद सीरीज के बाद आएगा। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्म सरोवर, जो मैंने आपको दिखा दिया पूरी वीडियो में एक एक चीज ब्रह्म सरोवर के अंदर क्या 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 नहीं। और जैसे ही आप ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलेंगे, पार्किंग के बिल्कुल जस्ट पास में दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ से आए और एक बार यहाँ दर्शन करके जरूर जाए। और रहने की थोड़ी सी मैं आपका बता दूँ, यहाँ आसपास छत्ती बरादरी की सारी धर्मशाला मिलेंगी आपने, और रहने का अच्छा खासा प्रबंध है यहाँ, और खाने से लेकर मतलब होटल वगैरह भी है, 2 स्टार 3 स्टार पूरे कुरुक्षेत्र में अवेलेबल है। आप आओ तो एक बार यहाँ, और बाकी खाने का प्रबंध बहुत बढ़िया तरीके से, रेस्टोरेंट अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट सब कुछ है आपने यहाँ, सब कुछ मिलेगा। जैसे ही आप ब्रह्मसरोवर से बाहर निकलोगे 100 मीटर पर ही आपने कैथल कुरुक्षेत्र वाला रोड मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप होटल भी ले सकते हैं। और धर्मशाला यहाँ पर बिल्कुल जस्ट बाहर निकलते ही है, नू भी नहीं कह सकते 100 मीटर है, बिल्कुल बाहर निकलते ही यहाँ पर गेट के। तो भाई यो था मेरा ब्रह्मसरोवर का व्लॉग, ठीक है। ई बीस तक का मैं लेकर चलूँगा कुरुक्षेत्र में दूसरी जगह पर है जहाँ गीता का उपदेश दिया था, और बाकी और भी कुछ है जो भी है कुरुक्षेत्र में सारा कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल ना सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।